गांव की सरपंच ताराबेन पटेल की टूटी फूटी हिंदी में अकोदरा की सफलता की कहानी कुछ इस तरह है। मेरे गांव अकोदरा में ICICI बैंक से दत्तक लिया है और एनिमल हॉस्टल और भारत से सर्वप्रथम गांव डिजिटल विलेज होते हैं और वाईफाई स्कूल प्रोजेक्ट द्वारा बालकों ने शिक्षण अपाते हैं और दूध मंडली से दूध से पगार उसके बैंक खाता में जमा होते हैं और खेडूतों से खेत पैदाश के पैसे उनके खाते में जमा होते हैं। सब गांव डिजिटल हो गया है और आंगनवाड़ी में से एल घड़ियाल टीवी और CCTV कैमरा और प्राथमिक स्कूल में टैबलेट से बालकों से प्रोजेक्ट द्वारा पढ़ाई होती है। ऑनलाइन शॉपिंग शुरू हो नहीं है तो शुरू हो जाती है टूंक समय में। हमारे गांव पूरे पूरा स्वच्छ होता है और सब स्वच्छता मुझे बड़ा गाँव क्लियर है। ICICI बैंक वाले हमारे गांव दत्तक लिया है तो और मोदी साहब ने ओपन किया है स्वच्छ सबसे हमारा गांव पूरे भारत में सर्वप्रथम गांव डिजिटल हो गए। जन सहभागिता और सहकारी पशुपालन इन दो शब्दों की मदद से अकोदरा ने अपनी सफलता की नई इबारत लिख दी। अकोदरा में अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई। थोड़ी सी अभिनव सोच धैर्य और नई दिशा ने अकोदरा को नए सफर का हम सफर बना दिया। तो आपने देखा अकोदरा गांव की इस अभिनव पहल को। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश के धार जिले में किसान क्रेडिट कार्ड बन गया है किसानों के संकट का साथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से लगातार ओलावृष्टि और बहुत बारिश ने किसानों को परेशान किया हुआ था, लेकिन अब धार जिले में किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को इस संकट से उबारने का साधन बन गया है। साथ ही दैनिक जरूरतों के लिए साहूकार के जाल से भी उनको मुक्ति दिला दी है। मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग में धार जिले के किसान राज्य के अन्य किसानों की तरह पिछले 2-3 सालों से अतिवृष्टि और ओलावृष्टि की मार से सहमे हुए थे, लेकिन पिछले 1 साल से उनकी हिम्मत मानो फिर लौटने लगी है। देश का पेट भरने वाले किसान को अपने ही पेट भरने का उपाय समझ में नहीं आ रहा था। किसानों को लेकर देश के जनमानस में विचार के स्तर पर जो बदलाव आ रहे हैं उसका नतीजा है कि किसानों के लिए बनाई गई कल्याणकारी नीतियां जमीन पर भी दिखने लगी हैं। किसानों से जुड़ी ऐसी ही कल्याणकारी योजनाओं के नतीजे मध्य प्रदेश के धार जिले में राहत देने वाले हैं। धार जिले के नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक परिसर के अंदर बैंक के कैशियर के सामने धड़ाधड़ नोट गिन रहा यह एक किसान है। दरअसल किसानों की पारंपरिक छवि से यह अलग एक दृश्य है। यह किसान अपनी खेती के लिए क्रेडिट कार्ड के जरिए पाए भुगतान को गिन रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों की जीवन शैली में आए बदलाव को शब्द दिए धार के ही एक किसान फैरो सिंह ने। पहले हमको खाद बीज लेने में बहुत दिक्कत पड़ती थी, किसान दूसरे किसान भाई से पैसे लेके खाद बीज की व्यवस्था होती थी। अब हमारा बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड बनने से हमारी ये पूरी सुविधा हो गई। खाद बीज वगैरह कोई व्यवस्था में परेशानी नहीं। पहले हमको खाद बीज में बहुत दिक्कत पड़ रही थी, इसलिए हमको साहूकार से पैसे लेना पड़ते थे। आज अब हमारा नर्मदा झाबुआ बैंक से क्रेडिट कार्ड बन गया, इससे हमको कोई परेशानी नहीं है। खाद बीज वगैरह सभी भी संपूर्ण व्यवस्था हो जाती है, जब जरूरत रहती जब निकाल लेते काम कर लेते। किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर सहकारी बैंक
किस तरह से किसानों के बीच काम कर रहे हैं बताया धार के नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक के मैनेजर ने। केसीसी के लिए पात्रता किसान की कृषि भूमि की जोत, उसकी जोत का आधार एवं जिला स्तर तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुरूप की जाती है। केसीसी का जो ऋण दिया जाता है शासन सरकार की मंशा के अनुरूप किसानों को 7% पर दिया जाता है और इसमें एक शर्त है कि अगर 12 महीने के पहले वो खाते में अदायगी करता है या टर्नओवर करता है तो उसको 3% इंसेंटिव शासन से प्राप्त होता है जो उसके खाते में बाद में जमा हो जाता है। और बैंक को भी 7% पे पैसा देने में इसमें नुकसान नहीं है क्योंकि 2% का सबवेंशन भी गवर्नमेंट से बैंक को मिलता है, इसलिए यह योजना किसानों के लिए बहुत हितकारी। आमतौर पर खेती के पेशे की यह सबसे बड़ी समस्या रही है कि किसानों को उसकी दैनिक जरूरत या खेती की जरूरतों के लिए गांव के दबंग या साहूकार का ही सहारा होता था, जिसके एवज में उस निरीह किसान के पास दबंगई सहने या कर्ज तले दबने के अलावा शायद ही कोई विकल्प बचता था। कर्ज तले दबे किसान की फसल अगर किसी प्राकृतिक वजह से खराब हो जाए तो उस पर मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ता। ऐसे में सरकारी मदद का ये हाथ जाहिर है किसानों के लिए किसी देवदूत सरीखा है। किसानों को संरक्षण देने के लिए फसल बीमा भी किया जाता है और फसलें खराब होने की स्थिति में उनको फसल बीमा का लाभ भी मिलता है। वर्तमान में पिछले साल जो गेहूं की फसल खराब हुई थी उसका बीमा जिन जिन गांवों में प्रभावित हुई थी बीमा कंपनी से प्राप्त हुआ है और वो किसानों के खातों में जमा किया जाता है। इसके अलावा कृषक ये केसीसी का जो ऋण दिया जाता है शासन सरकार की मंशा के अनुरूप किसानों को 7% पर दिया जाता है और इसमें एक शर्त है कि अगर 12 महीने के पहले वो खाते में अदायगी करता है या टर्नओवर करता है तो उसको 3% इंसेंटिव शासन से प्राप्त होता है जो उसके खाते में बाद में जमा हो जाता है। पूरे धार जिले में कुल 288,411 किसान हैं। इनमें से 131,500 किसानों ने सहकारी संस्थाओं के जरिए और 116,048 किसानों ने देश में कार्यरत व्यवसायिक बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड पाया है। सरकार का ये सहारा जिले के तकरीबन सभी किसानों तक पहुंच गया और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव का सूत्रपात हो चुका है। अगर आपके इलाके में ये सहारा आप तक अभी नहीं पहुंचा है तो आप भी अपने निकट के बैंक से क्रेडिट कार्ड हासिल कर सकते हैं। दरअसल किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मकसद बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित और जरूरत के वक्त सरल एवं आसान तरीके से आर्थिक सहायता दिलाना है, ताकि खेती एवं उपकरणों की खरीद जैसी जरूरतों के लिए उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। जिन किसानों के क्रेडिट कार्ड बन गए हैं उनको तो कमर्शियल बैंकों द्वारा लाभ दिया जाता है और जिन किसानों को सहकारी समिति द्वारा ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं उन किसानों को इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा फसल नुकसान का मुआवजा दिया जाता है। इस बैंक से हमने किसान क्रेडिट कार्ड लिया है जिसे हमें काफ़ी फायदा हुआ है और ब्याज कम लगता है, टाइम पे पैसा मिल जाता है, उससे हमारी खेती में अच्छा मुनाफा होता है। किसान साहूकारों से पैसा लेना पड़ता था तो उसका ब्याज भी अधिक देना पड़ता था, अब क्रेडिट कार्ड बनने से ब्याज कम लगता है और टाइम पे काम होता है हमारा। किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। भूमि की जोत और जिला स्तर पर तकनीकी समिति की मदद से कोई भी किसान या सीमांत किसान इसे बनवा सकता है। ऐसी भूमि की जोत, उसकी जोत का आधार एवं जिला स्तर तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुरूप की जाती है। जो कृषक उसकी जो प्रस्तावित फसल होती है उस फसल के आधार पर उसकी गणना की जाती है। अगर कोई सोयाबीन बोता है सोयाबीन के आधार पर, गेहूँ बोता है गेहूँ के आधार पर, और कोई उन्नत कृषक हो जो आलू प्याज लहसुन टमाटर की खेती करता है तो उसके आधार पर पात्रता निकलती है। उसमें उनको उनकी लागत ज़्यादा होने से पैसा भी पर्याप्त मिल जाता है और किसान क्रेडिट कार्ड में बैंक का रिकवरी प्रतिशत भी अच्छा है। जाहिर है बदलते वक्त के साथ साथ देश का किसान देश की प्रगति में हिस्सा पा सके ऐसी व्यवस्था के लिए ये एक जरूरी पहल है, लेकिन आने वाले वक्त में इसके क्रियान्वयन की खामियों को दुरुस्त रखना भी जरूरी है।
तभी देश के ऐसे ही किसी बन्ने सिंह राठौर या भैरव सिंह के चेहरे पर ये मुस्कान कायम रखी जा सकेगी। और अब खेती किसानी से जुड़ी अन्य गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। ग्रामीण और जनजातीय जनसंख्या वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को धुआं रहित स्वच्छ खाना बनाने और स्वच्छ ऊर्जा के साधन उपलब्ध कराने के मकसद से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा यंत्रों के वितरण की योजना बनाई है। इस कार्यक्रम के तहत उन्नत चूल्हे, सौर कुकर, सौर लैंप, सौर ऊर्जा से घरों में रोशनी करने वाली प्रणाली आदि का वितरण करने की योजना है। CAMPA द्वारा इस संबंध में निधि के प्रयोग के लिए दिशा निर्देश हेतु राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को परिपत्र भेजा जा चुका है। कुल निधि का कम से कम 70% हिस्सा राष्ट्रीय पार्कों, अभयारण्यों और संरक्षित वनों वाले क्षेत्रों में रहने वाली आबादी पर खर्च किया जाएगा। खेत खलिहान में आज इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात खेत खलिहान के कुछ और नए अनुभवों के साथ। तब तक पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए DD किसान। नमस्कार। नागपुर संतरे के झाड़ों को फाइटोप्थोरा से जो रोग आते हैं उसमें डिंकिया नामक रोग यहाँ विदर्भ में बहुत कॉमन है।